26 फरवरी को संध्या में करीब 8 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि नया नगर स्टेशन, जो कि हसनपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसके पास से ही एक कॉस्मेटिक व्यापारी हैं जो घूम घूम करके ऑर्डर लेते हैं। उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है और मोटरसाइकिल, जिस क्रम में कि एक मोटरसाइकिल, मोबाइल और करीब 30,000 रुपये लूट लेने की बात को लेकर के घटना जो है वो प्रतिवेदित की गई थी। गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल जो है इस पर एक SIT का गठन किया गया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तकनीकी और मानवीय पहलुओं को लेकर के अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इसी क्रम में जो है 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और घटना में जो बाइक लूटी गई थी, उस बाइक को, मोबाइल लूटा गया, मोबाइल और घटना में प्रयुक्त बाइक थी, इस तीनों को ही बरामद किया गया है। जो पैसा था, इन लोगों ने 30,000 रुपये के आसपास का रकम था जो इन्होंने आपस में बांट लिया है। चूँकि इसमें अभी 2 और लोग फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात जो है वो कैश को भी बरामद करने का हम प्रयास करेंगे। इसमें जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनका नाम है नीतीश कुमार उर्फ तबाही, ये विपिन सिंह ग्राम कोराए गढ़पुरा के रहने वाले हैं। अर्जुन कुमार, ये भी कोराए ग्राम गढ़पुरा के रहने वाले हैं, और सचिन कुमार, ये भी गढ़पुरा के रहने वाले हैं। तो ये एक अंतर जिला गिरोह है जो बेगूसराय के गढ़पुरा थाना क्षेत्र से ऑपरेट करता है और हसनपुर विधान क्षेत्र में आकर के क्राइम करता है। चूँकि आपको ज्ञात होगा कि लगभग 1 साल से जो है उस क्षेत्र को हम मानते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारा जो है वो भेद क्षेत्र है, जिसमें कि जिसकी सीमा बेगूसराय खगड़िया के क्षेत्रों से, थाना क्षेत्र से लगती है। लगातार वहाँ पे अभियान चल रहा है जिसमें कि ये सफलता हमें मिली है। तो इसमें लूटा गया बाइक और मोबाइल दोनों को ही बरामद कर लिया गया है। तीनों ही गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है और जो दो अन्य इसमें फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस प्रकार से एक लूट की घटना का सफल उद्भेदन